जो बातें मेरे साथी अतिशय जी ने रखा बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही भयावह है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसने राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में खड़ी हुई, उसको भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली लोकसभा का उम्मीदवार बनाया, इससे ज़्यादा आहत करने वाली बात नहीं हो सकती। आज देश आहत में है, दिल्ली आहत में है। लोग पूछना चाहते हैं कि ललित मोदी ने जिस प्रकार से देश को हजारों हजारों करोड़ का चूना लगाया, उसमें बांसुरी स्वराज जी का जो उनको साथ मिला, ये तो राष्ट्र विरोधी है। एक बात और, चूंकि जो ब्रिजभूषण वाला जो मामला था, जिसमें पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से जो हमारी बेटियां महिला रेस्टर्स जो थीं, जो महिला पहलवान थीं, जो देश के लिए मेडल्स लेके आईं, जिनको माननीय मोदी जी ने कभी देश का गर्व बताया था, उनकी इज्जत को तार तार करने वाला व्यक्ति ब्रिजभूषण के खिलाफ जब महिला पहलवान बैठे, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि उन भारत की बेटियों को जो भारत के लिए गर्व का कारण बनी, उनको न्याय पाने के लिए जंतर मंतर और धरना करना पड़ा, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उस ब्रिजभूषण के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। और आपको जान के हैरानी होगी कि उस एक्शन ना लेने का जो भाजपा का कार्य था, उसको डिफेंड किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली लोकसभा के उम्मीदवार बांसुरी स्वराज जी ने। ये कहती हैं कि महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत काम करती है, तो आपने देखा ना तो मणिपुर की उन बहनों के लिए खड़ी हुई, उनके खिलाफ खड़ी हुई, और ना ही जो हमारी महिला पहलवान बेटियां थीं उनके साथ खड़ी हुई, राधा उनके खिलाफ खड़ी हुई। मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूँ, इस प्रकार के व्यक्ति को आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाली जो सीट दी है, इससे तो आप आज एक्सपोज हो गए हैं कि आप राष्ट्र विरोधी भी हैं, महिला विरोधी भी हैं, लोकतंत्र विरोधी भी हैं, और इसके लिए बांसुरी स्वराज जी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनसे बहुत भारी गलती हुई है।